हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल मोल्डिंग माइंड्स। आज की हमारी वर्कशीट जो वर्कशीट नंबर 27 है, विज्ञान विषय के लिए बनाई गई है स्टूडेंट्स, और कक्षा 10वीं के लिए इसका गठन किया गया है। इसमें तारीख जो है वो है 4 सितंबर 2020। तो आइए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है जैव प्रक्रम। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, श्वसन यानी कि लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर है, और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछली जो हमारी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 26 में हमने किया था श्वसन के अंदर या मानव श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं स्टूडेंट। तो आइए आगे शुरू करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। मीन्स जो वर्किंग कैपेसिटी, जो वर्किंग आपकी फंक्शनल जो चीजें हैं, उन सब को हमने दो चीजों में या दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले देखिए कौन सा पार्ट है, गुहाओं और नलिकाओं को आपस में जोड़ने वाली प्रणाली या जोड़ने की जो प्रणाली है, जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है, यानी कि जो फुफ्फुस है उसमें जो वायु को चलाती है, वायु का संचालन करती है। और दूसरा पार्ट क्या है, वह है प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, फुफ्फुस से। अब देखते हैं सबसे पहले जो वायु का आदान प्रदान या संचालन करती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हिस्सा यहाँ पर दे रखा आपको नाक। नाक के बारे में इन्होंने क्या दिया है कि वायु को गर्म और फिल्टर करता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा इन्होंने दे रखा ग्रासनी। ग्रासनी जो है वो वायु के लिए मार्ग को श्वसन नली की ओर लेके जाता है, वायु को या उसके रास्ते को किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, श्वसन नली की तरफ, ओके। उसके बाद अगला आपका वॉइस बॉक्स यानी कि वोकल बॉक्स, जिसको आप बोलते हैं स्वर यंत्र। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें आता है श्वसन नली। ये श्वसन नली क्या है भाई, ये ग्रासनी को श्वसनी से जोड़ती है, यानी कि जो आपका ग्रासनी है ये उसको श्वसनी से जोड़ती है, और उपास्थि वल्य संरचना प्रदान करते हुए श्वसन नली को खुला रखते हैं, और श्वसन नली में श्लेष्मा के साथ सिलिया नामक महीन बाल होते हैं। ये बालों का क्या काम है, जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचने से पहले फिल्टर करते हैं। तो उन बालों को, जो हमारे नाक के अंदर बाल हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम सिलिया बोलेंगे स्टूडेंट्स। और जो सिलिया है वो एक महीन महीन बाल होते हैं, और ये बालों का काम क्या होता है, जो वायु हमारे फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों तक जा रही है उनको हम क्या करेंगे, उनको ये वायु बाल जो है फिल्टर कर देंगे। उसके बाद अगला हिस्सा आपका ग्रासनी, सॉरी श्वसनी। श्वसनी क्या करेगी, ग्रासनी अंत में दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और ये फुफ्फुस में प्रवेश करती है। तो इन दो शाखाओं में जिनको हम क्या बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे। तो ग्रासनी जो है नीचे जाके फिर विभाजित हो जाएगी दो भागों में, जिनको हम क्या बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे। और श्वसनी का काम क्या है, फुफ्फुस में वायु को प्रवेश करा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उस प्रणाली के बारे में जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए श्वसन श्वसनिकाएं इसका पहला भाग है। श्वसन श्वसनिकाएं जो है क्या करती हैं, ये फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुफ्फुस की सतह तक वायु पहुंचाता है, ये कौन सा है मार्ग है, श्वसन श्वसनिकाएं हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए कूपिका वाहिनी। कूपिका वाहिनी क्या है, ये छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क है जो श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंततः कूपिका कोश में पहुंचता है। तो पहले क्या होगा, श्वसनी से फुफ्फुस तक आएगा और उसके बाद क्या होगा, कूपिका यानी कि एल्वियोली तक आएगा, कौन सा, कूपिका वाहिनी वाला हिस्सा। और सबसे अंतिम हिस्सा क्या है, कूपिका यानी कि आपकी एल्वियोली, फुफ्फुस में यानी कि आपके फेफड़ों में कार्यात्मक श्वसन इकाइयां यानी कि फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट कौन सी है, वो है कूपिका। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, जैसे कि देखिए यहाँ पर दे रखा है किसका कार्य है, गैसों का आदान प्रदान करना, ओके। उसके बाद हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले अगर आप बात करें थोरेसिक गुहा जो है आपकी वो फैलती है, क्यों, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है, और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियों का अनुबंध उसके साथ होता है। यहाँ पर जो आपकी ये मांसपेशियां हैं इसका अनुबंध होता है किसके साथ, आपकी थोरेसिक गुहा के साथ, और साथ में डायफ्रेम जो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा,
उसके बाद जो है अगला पार्ट है उसमें क्या होता है, जब आप हवा को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए हवा जब अंदर गई तो थोड़ी सी गुहा फैली थी, यहाँ पर क्या हुआ थोड़ी सी गुहा कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या है हवा बाहर आ रही है। उसके बाद देखिए बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियों का अनुबंध यहाँ पर क्या था, वो काम कर रही थी किसके साथ, थोरेसिक गुहा के साथ जब आप सांस ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखिए बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियों को आराम देता है, कौन आराम देता है वो बाहरी इंटरकोस्टल जो मांसपेशियों को आराम देता है, क्यों देती है, यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन करना है क्योंकि आप गैस को छोड़ रहे हैं और यहाँ पर डायाफ्राम में जो है वो उभार आ जाएगा, आराम जो है वो कर लेगा डायाफ्राम, क्योंकि अब क्या कर रहा है डायाफ्राम जो है आपका वो गैसों को बाहर निकाल। उसके बाद आप बात देखते हैं अगला पार्ट क्या है, उसके बाद हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे कि कैसे डायाफ्राम काम करता है, कैसे सांस ली जाती है कैसे सांस छोड़ी जाती है। अब देखिए सांस लेना कैसे पॉसिबल हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु लेना मतलब सांस लेना मतलब क्या है भाई, ऑक्सीजन युक्त वायु हम ले रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट इसमें पूछेगा कि सामान्यतः जो हवा है उसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है, ऑक्सीजन 21% है, तो 100% ऑक्सीजन तो नहीं लेते। अब स्टूडेंट्स हम 100% ऑक्सीजन नहीं लेते लेकिन ऑक्सीजन युक्त वायु तो फ्री नेचर में उपलब्ध है ना। अब मान लो कोई बोल रहा है सांस छोड़ रहा है, तो सांस छोड़ते वक्त तो आप ऑक्सीजन युक्त वायु नहीं ले रहे ना, तो इसका मतलब क्या है ऑक्सीजन युक्त वायु ले रहे हैं कब, जब आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, इस समय पसलियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां संकुचित हो जाती है। ठीक है, और संकुचित होंगे तो क्या होगा डायाफ्राम समतल हो जाएगा और आपकी वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, मतलब बात यह है कि आपका जो छाती आपकी जो चेस्ट है उसका एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ने से क्या होगा वायु के बारे में चीज जान लीजिए, वायु ज्यादा दबाव से कम दबाव के क्षेत्र में जाती है, और जहां पर एरिया या जहां पर क्षेत्रफल बढ़ता है आयतन बढ़ता है वहां पर दबाव कम होता है। तो इसका मतलब जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आपकी वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा मतलब दबाव घटा, कहाँ आपकी चेस्ट के अंदर, और दबाव जब घटेगा तो वायु आपकी चेस्ट के अंदर नाक के थ्रू घुसेगी। ओके, इसलिए इन्होंने क्या लिखा, इसलिए वक्षीय गुहा के अंदर दबाव या दाब कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु चली जाती है। उसके बाद अगला पार्ट है सांस छोड़ना। स्टूडेंट्स सांस छोड़ने का मतलब क्या है, CO2 का निष्कासन यानी कि एक्सक्रीशन, एक तरीके से आप एग्जिट करा रहे हो किसको, CO2 को बाहर करा सा दिखा रहे हो। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के स्थिरीकरण के कारण यानी कि मांसपेशियों के ढीले हो जाने या रेस्ट में आ जाने के कारण होता है। डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, देखिए डायफ्राम को यहाँ पर हमने दिखा भी रखा था कि डायफ्राम कैसे हो जाता है, डायफ्राम यहाँ पर ये गुंबद के आकार का, ये ऐसी आकृति इसकी कुछ हो जाती है। ठीक है, तो डायफ्राम यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर डायफ्राम आपका जो है वो गुंबद के आकार का होगा, देखिए ऐसे आपका गुंबद बनाया हुआ डायफ्राम में यहाँ पर लगा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, इसे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाएगा। अब देखिए उल्टा हो गया, आपकी चेस्ट में जो है छाती का जो है वो आयतन कम हो गया यानी कि वहां पर दबाव जो है वो ज्यादा हो गया। यहाँ पर देखिए गलत दे रखा है स्टूडेंट्स, ये दबाव जो है यहाँ पर कम नहीं, ये दबाव यहाँ पर ज्यादा होएगा क्योंकि जहां पर आयतन कम होता है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। ये आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक छोटी सी पाइप के साथ कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने पानी के लिए कोई पाइप चला रखी पानी लेने के लिए, तो अगर मान लो आप उसको नॉर्मली चलाते हो तो उसमें प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, पानी ज्यादा दूर तक नहीं आप डाल पाओगे, लेकिन अगर आप जैसे ही उसको पाइप को थोड़ा मुंह से दबा दो, आगे से उसके जो उसका फ्रंटल पार्ट है उसको दबा दो, प्रेशराइज कर दो, तो वहां पर क्या होगा देखिए उसका आयतन उसका एरिया जो है वो कम हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा आपका वो ज्यादा प्रेशर से पानी ज्यादा दूरी तक जाए, तो वहां पर क्या हुआ आपने एरिया कम किया तो दबाव ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर कम नहीं होगा यहाँ पर ज्यादा हो गया दबाव, तो वायु का दबाव ज्यादा हो जाता है कहाँ अंदर की तरफ, तो वो क्या करेगी फेफड़ों से बाहर निकल। उसके बाद हम बात करेंगे फुफ्फुस के अंदर कुपी का एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एल्वियोली के बारे में। अब हम यह बात करेंगे कि कैसे एल्वियोली जो है वो कोशिकाओं के बीच गैसेस एक्सचेंज करती है,
इसके बारे में अभी हम देखते हैं इस डायग्राम में। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ये कोशिका यहाँ, ठीक है। जैसे ये आपका रेड कलर के जो मार्क्स हैं वो है ऑक्सीजन, जो वायु अंदर आ रही है सांस लेने के दौरान तब, और जो नीला जो आपके एरोज हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ओके, अब देखिए ये क्या है आपकी यहाँ पर, ये कोशिकाएं हैं ये सब, और ये क्या है इसके अंदर, कोशिका के अंदर ये है वायु कोशीय झिल्ली, आप इसको एरोमेटिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये क्या है आपकी यहाँ पर, ये दोनों जो को अगर आप बांध दो साथ, क्या है रेस्पिरेशन मेम्ब्रेन है, यानी क्या श्वसन झिल्ली। ओके, अब इसमें क्या होता है, देखिए जो ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन को मिलते ही जो आपका आरबीसी है, यानी कि रक्त है, रक्त के अंदर आरबीसी होती है, आपको पता है रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं या खून के अंदर ऑक्सीजन मिला देगा, कौन मिला देगा, एल्वोली मिला देगा, और मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद वो रेड कलर की हो जाएंगी और वो फुफ्फुसीय शिरा की तरफ चली जाएंगी, आपकी जो फुफ्फुसीय शिरा है उसकी तरफ चली जाएंगी, जो क्योंकि अब उनके अंदर ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद अगर मान लो अब उल्टा होगा, कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होंगी जो क्या करेंगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगी, तो वो यहाँ से यानी कि फुफ्फुसीय धमनी से पल्मोनरी आर्टरी जो आपकी वहां से घुसेंगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस किसमें डाल देंगी, वो डाल देंगी आर्टरी में। ओके, यानी कि एल्वियोली जो आपकी उसके अंदर डाल देंगी। तो ऐसे गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और ब्लड जो है वो उसको लेके जाता है कोशिकाओं तक, कोशिकाओं से एक ब्लड वापस क्या लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है और वापस इसको दे देता है एल्वियोली को, दे देता है कि भाई गैसेस एक्सचेंज कर, गैसेस विन में कर, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको पढ़ और लेते हैं एक बार। तो फुफ्फुस के अंदर फुप्पिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। फुप्पिकाओं के भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, यानी कि आपके ब्लड जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स, धमनी शिरा और कैपिलरी यानी केशिकाएं होती हैं। तो केशिकाएं शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर फुप्पिकाओं में छोड़ती हैं, मतलब जो केशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ खून कहाँ छोड़ती हैं, आर्टरी में छोड़ती हैं, सॉरी एल्वियोली में छोड़ती हैं, फुप्पिकाओं में छोड़ती हैं। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब क्या करेगा, देखो ब्लड ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले के किस में डाल दिया, कोशिका में डाल दिया, और लेकिन कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन वो किस में डाला, उल्टा ब्लड ने अपने अंदर डाला और कहाँ पहुंचा दिया, कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। अब कोशिकाओं के पास क्या है, ऑक्सीजन आ गया। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता, अकेले विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। विसरण दाब मतलब क्या है, डिफ्यूजन का जो प्रेशर है वो कम होता रहता है, क्यों, क्योंकि तो हमारा साइज बढ़ता है शरीर का, इसीलिए फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन अंगों तक पहुंचते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, यानी कि श्वसन वर्णक क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन है भाई, खून जो है वो ऑक्सीजन लेके जाता है कोशिकाओं तक, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वापस किसके पास, कोशिकाओं के पास, बट खून के अंदर कौन लिख काम करता है, ऑक्सीजन को लेके जाने का, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आने का, मतलब खून जो है हमारा, रक्त जो है उसके अंदर गैसियस विनिमय या गैसों का एक्सचेंज कौन करता है, वो करता है आरबीसी। आरबीसी के अंदर भी क्या होता है, कौन करेगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन वो वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च तापमान उतार रखता है, यानी ऑक्सीजन के लिए उच्च है, उसकी हाई रिएक्टिविटी होती है। यह वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपलब्ध होता है, प्रसिद्ध होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रश्न देखते हैं। उपस्थित वलय का कार्य क्या होता है, तो उपस्थित वलय कार्य के बारे में आपको ऊपर दिया गया है, उसको मैं वहां पर एक तरह लिखता हूँ, ये है आपका यहाँ पर श्वास नली ग्रासनी को श्वसनी से जोड़ती है, उपस्थित वलय संरचना प्रदान करते हैं और श्वसनी को खुला रखते हैं, ठीक है। उपस्थित वलय क्या करते हैं, संरचना प्रदान करते हैं और श्वसनी को खुला रखते हैं, तो ये काम किसका है, ये आपका उपस्थित वल्ले का काम है।
आप इसको पूरे को यहाँ पर ठीक कर सकते हो। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये आप उत्तर के रूप में लिख सकते हो, यहाँ ये ऊपर से तो समझ आपको बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट करेंगे इसको भी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है, बड़े भूकोशिकीय जीवों में जैसे कि मानव मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आप यहाँ पर ये डायग्राम जो है ये पूरा पूरा डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है, ये मैंने समझाया भी है। और उसके साथ के साथ आप जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो डायग्राम है इस वाले डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और साथ के साथ ये जो आपको नीचे दिया गया है इसको भी आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपको अंतिम प्रश्न, सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायाफ्राम की प्रक्रिया समझाइए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस तीसरे उत्तर के लिए आपको ये वाले जो है ये उत्तर के रूप में लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पर याद रखना, मैंने आपको पहले ही बोला ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भाई कम नहीं होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा दबाव। ठीक है, इस वाले को रेक्टिफाई करना, इस वाले को ठीक कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो ऊपर वाला डायग्राम भी इस तीसरे उत्तर के रूप में लिख सकते हो, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज आप इस वाले एक्सप्लेनेशन से भी काम चला सकते हो। स्टूडेंट्स कैसे लगे आपको हमारे वीडियो, वीडियो के बारे में कमेंट छोड़िए और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए उस प्रॉब्लम के बारे में हमारे कमेंट, तो हम उसको पढ़ेंगे और उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और एक बार रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बंदों के पास पहुंचाइए, ज्यादा स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और चैनल में सब्सक्रिप्शन के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे समय से और हमारा भी उससे उत्साहवर्धन होगा स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलने की आशा प्रॉमिस करता हूँ और जय हिंद जय वाष्णु।